हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए इस टेस्ट सीरीज थर्ड लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर फर्स्ट और सेकंड अपलोडेड मिलेगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2021 के घटनाचक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल यानी नकली फल भी मौजूद है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी काजू। देखिए, काजू फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल की गिनती में आ जाता है, क्योंकि जनरली जो फल होते हैं ना उनका निर्माण अंडाशय यानी ओवरी से होता है, बट जो झूठा फल यानी फॉल्स फ्रूट होता है उसका निर्माण ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य भागों की मदद से होता है। और फॉल्स फ्रूट के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती एट्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी पादपों के हरे भाग में जो ग्रीन पार्ट होता है उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें हरे भाग की, तो बिकॉज प्लांट्स के ग्रीन प्लांट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आवश्यक एमिनो एसिड। जो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन होते हैं ना, वो सभी मानव के लिए आवश्यक एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मछली, मांस, अंडा, दूध एट्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट है कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, निकोटीन प्रेजेंट होता है तंबाकू में। नेक्स्ट, भ्रूण की अपरापोषक किस्में सहायक होती हैं, ऑप्शन ए उत्सर्जन में। अगर भ्रूण की बात करें तो अपरापोषक किस्मों की बात करें तो यह भ्रूण में मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एट्सेट्रा अनवांटेड मटेरियल का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। तो अगर पेयर्स की बात करते हैं तो 12 पेयर्स होता है। अगर टोटल नंबर पूछेगा पसलियों का तो 12 पेयर्स मतलब 24 हो जाएगा टोटल नंबर, बट पेयर 12। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे हृदय में प्रवेश करता है। तो ये बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है, या अगर बात करें तो लेफ्ट एट्रियम यानी जिसे बाएं अलिंद कहते हैं उससे हार्ट में प्रवेश करता है। इसके बाद यह बाएं निलय जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं तथा महाधमनी से होते हुए बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट है कि बहुधात्विक ग्रंथिकाएँ संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए गहरे महासागर के तलों में पाई जाती है। अगर हम लोग बहुधात्विक ग्रंथिकाएँ जिसे मैंग्रिंज ग्रंथिकाएँ कहते हैं, तो अगर एग्जाम में दे दिया जाएगा कि वो उसका स्थान कहाँ है, तो गहरे सागरों के तलों में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उसे साक यानी हर्ब्स कहते हैं। और हर्ब्स क्या है, सर्ब्स क्या है, तो ये सब 3/4 का चैप्टर है, टॉपिक है, तो ये सब तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। क्योंकि हर्ब्स की अगर साक की बात करें तो यह एक वर्षीय यानी एनुअल, पेरिनियल और द्विवर्षीय यानी बाइनियल हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है कि सैक यानी लाइकेन क्या है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाइकेन एक सहजीवी है, यह शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अमोनिया का एक गुण कौन सा है।
तो अगर NH3 अमोनिया की बात करते हैं तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके जलीय विलयन में रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, यानी अमोनिया जो है ये तीक्ष्ण गंध वाली कलरलेस गैस होती है। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय विलयन है इस या जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न यानी बदलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है। धनायन जिसे इंग्लिश में कैटायन कहा जाता है, और कैटायन और एनायन में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फेट आयन है। क्योंकि सल्फेट आयन कैटायन ना होकर क्या है तो रिनायन है यानी एनायन है। अब जानते हैं कि व्हाट इज कैटायन यानी धनायन एक्चुअल में कहते किसे हैं, तो कैटायन वे होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं। आद्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले जल वाष्प को। आद्रता ग्राही वस्तु के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे चीनी, शहद, इथेनॉल इट्सेट्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऊन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है। ऑप्शन ए गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। अगर गाइगर मुलर काउंटर प्रोसेस की बात करें तो यह एक प्रकाश का कण डिटेक्टर है जिसके द्वारा रेडिएशन का आयनित होना मापा जाता है, साथ ही अल्फा बीटा और कामा जो रेज उत्सर्जित होते हैं उसका भी पता लगाया जाता है बाय गाइगर मुलर काउंटर प्रोसेस से। नेक्स्ट, इसमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और अगर क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो इसका यूज तीव्र गति से हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर काम करता है, तो ये रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रख कर भी अपने चारों ओर के वातावरण को आसानी से देख सकता है। इसका यूज जनरली पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ये 45 डिग्री कोण पर पेरिस्कोप के मिरर को यहाँ पर फिक्स किया जाता है। अगर आप सपोर्टेड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर मिरर रहा है ये समतल भूमि का कोण है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति छिप कर, जनरली सैनिक लोग छिप कर जो युद्ध में जो निगरानी करते हैं शत्रुओं की, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ना फ्रेंड, वो 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पर जो फाइनली प्रतिबिंब बन जाता है जिसकी वजह से वो आसानी से देख पाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्स रेज का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो देखेंगे कि आभासी बल किसे कहते हैं, तो वैसा बल जो वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर एरिया पर केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है ना उसी को ही आभासी बल कहती हैं, तो अपकेंद्री बल को ही आभासी बल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है, तो यह कथन म्यूर का है। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है, तो वह जो यहाँ पर आपका प्रोनाउन यूज किया गया है यह किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, बिकॉज मंत्रिपरिषद का चयन प्रधानमंत्री स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है, इसलिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में पहला पोजिशन दिया है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था।
तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तब उसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड थे, बुजुर्ग थे, तो इसके जस्ट दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक होता है तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के का को ऐड करके नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। और इस समिति का गठन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने जो तीन स्तर बनाए थे वे थे ग्राम स्तर, खंड स्तर तथा जिला स्तर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और आर्टिकल 53 में वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस भाग में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी भाग 9 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीरियल वाइज है 1 2 3 4। अगर महादेव पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तथा मैकाल पर्वत श्रृंखला की, तो यह दोनों पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। अगर हम लोग बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार इसके पूर्व में स्थित है और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, गद्दी लोग निवासी हैं। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, यह भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार यानी रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, यह भी सही है। बट ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 26 ना होकर प्रेजेंट टाइम 2021 में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर अगर बाढ़ की बात करें तो जनरली बाढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है, आती है। भूकंप की अगर बात करते हैं तो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में जनरली भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आती है। अगर सूखा की बात करें तो ये मध्य पूर्वी भारत में सूखा आती है, और चक्रवात की अगर बात करते हैं तो ये झारखंड और उत्तरी क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है ड्यू टू फॉरेस्टेशन यानी वनारोपण के जरिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां तांबा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन डी राजस्थान के खेतड़ी के झुंझुनू जिले में तांबा उद्योग सिचुएटेड है, या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर तारापुर की बात करते हैं तो ये परमाणु ऊर्जा के लिए विख्यात है, टीटागढ़ में काकच उद्योग है तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन बी 5.5 फीट। अगर छोटी लाइन की पूछ दिया जाए कि छोटी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है।
तो ऑप्शन बी पाकिस्तान जो है वो चीन की अस्थल सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर चीन के सीमावर्ती देश की बात करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वे हैं मंगोलिया, रूस, म्यांमार, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियन प्राप्त किया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट, मृदा विचलन बड़ी समस्या है, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, क्योंकि जनरली इन क्षेत्रों में वर्ष भर मूसलाधार वर्षा होती जिसकी वजह से मिट्टी यहाँ पर टिक नहीं पाती है। नेक्स्ट है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की परसेंटेज सर्वाधिक है, तो उष्णकटिबंधीय वन की, जिसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और अगर उसकी परसेंटेज की बात करें तो उसका परसेंटेज 49% है। नेक्स्ट, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात हम लोग कर लें कि यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल होगा, तो वह निम्न स्तरीय माल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है यानी फुल फॉर्म है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जो कोई देश अपने देश में विदेशी विनियोगों के संबंध में लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, ऑप्शन डी पूर्ण स्पर्धी। नेक्स्ट, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी एंजिल नियम। और एंजिल की अगर बात करें तो ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे एंजिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो देखिए आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को ही लॉरेंज वक्र कहते हैं, तो ऑप्शन डी यानी आय वितरण। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं, ऑप्शन बी उसे अंत वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, ऑप्शन डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट के निबंधन बनते हैं, किन से, तो ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों से क्रेडिट के निबंधन बनते हैं यानी ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेज की आवश्यकता। नेक्स्ट, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो उसमें रहन सहन का दर्जा उच्च होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेशी व्यापार नहीं होगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है, डेनमार्क में, और उसका त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने सन 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में ही गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट बृहदर्थ, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, और बृहदर्थ की हत्या उसके स्वयं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ऑप्शन बी चालुक्यों द्वारा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, और यह जो भीमबेटका गुफा है वो भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम दिशा में सिचुएटेड है, और भीमबेटका की गुफा ने को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित किया है।
दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन बी बलबन ने। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ये थी कि बलबन सुल्तान का कहना था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, तानसेन तथा हरिदास। ये अकबर के शासनकाल के कुछ फेमस सिंगर थे। बट अगर विलास खान की बात करते हैं तो विलास खान जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अटैक कब किया था? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए जफर खान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? ऑप्शन डी मीर कासिम ने। बिकॉज मीर कासिम मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक ना हो। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्वयं स्थापित किया, वह युद्ध कौन सा था? तो वह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि अगस्त 1765 में होती है तो उसके अकॉर्डिंग शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की अस्थायी रूप से दीवानी सौंप दी। नेक्स्ट है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इस करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, आप यहां पर इसका टाइम नोट कर सकते हैं। अगर अंबर के युद्ध की बात करें तो ये अगस्त 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 में अध्यक्ष थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, 1963 ना होकर 1936 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह सूजा से। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? तो वह था सर आयरकूट, जिसने 1781 ईस्वी में प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को गिनी राज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद को। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से अलग हुआ? तो अलग होने वाला देश बन चुका है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के कल्याण के लिए वाहाली डिक्री योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट है कि चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम में जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, SBI। नेक्स्ट, देवदास कनकला का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? ऑप्शन सी तेलुगु सिनेमा से वे बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता? तो उनका नाम है भाषा मुखर्जी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? ऑप्शन ए कुल 18 अनुसूचित भाषाओं में, हालांकि 2011 की जो जनगणना थी वो कुल 16 अनुसूचित भाषाओं में की गई थी।
नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट के पास किसी आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है। यह निर्णय किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है? ऑप्शन बी आर्टिकल 142। नेक्स्ट, किस समिति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए संस्थानों की अनुशंसा की है? ऑप्शन सी इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी। नेक्स्ट है कि किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्निक का विकास किया है? IIT खड़गपुर ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कांतो भट्ट का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए पत्रकारिता। नेक्स्ट, हाल ही में अनंत सीतलवाड़ का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन बी वे एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, सात्विक कराइज रंकी रेड्डी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन सी बैडमिंटन से। नेक्स्ट, इसरो ने किस शहर में SSAM की स्थापना का निर्णय लिया है? ऑप्शन डी बंगलुरु में। नेक्स्ट, IMM, UVAC और BPM-1002 नामक टीके किस रोग के लिए उपयोग किए जाएंगे? TB के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 जुलाई को। नेक्स्ट है कि डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग सिस्टम को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, केंद्र ने 4,900 करोड़ रुपए की कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मेची किस नदी बेसन की सहायक नदी है? ऑप्शन सी महानदी की। नेक्स्ट, विक्टोरिया की सरकार द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए शाहरुख खान को। नेक्स्ट, हाल ही में नाद जोशी ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता, वे किस देश से हैं? ऑप्शन बी भारत से। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार में पुरुष साक्षरता दर कुल कितना परसेंट है? तो देखिए, इस बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 73.39% दिया गया है। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ यहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशन हो जाते हैं, बट अगर बात करें कि होल लिटरेसी रेट की यानी पूरे भारत की, तो वो है 61.8%, बट कहीं कहीं पर फीमेल की जो लिटरेसी रेट है, सॉरी मेल की जो लिटरेसी रेट है, वो 73.39% ना होकर मात्र 71.2% है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन पर सी ही आ रहा है। नेक्स्ट है कि कलिंग की राजधानी कहां थी? ऑप्शन बी तोसली। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन बिहार में चलाया गया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 2016 के मार्च के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 661। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विद्युत समृद्ध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन सी 15 नवंबर 2016 ईस्वी को। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आयोजन वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंडिका। नेक्स्ट, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएँ क्या कहलाती थीं? तो उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजा प्रसाद जो उनका लकड़ी का महल था का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चिरांत से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।